हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है उसके अंदर हम DDC के 19th एडिशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जी हाँ, DDC का क्लास नंबर बनाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये जो क्लास नंबर है इसको आप कॉल नंबर भी बोलते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जो कॉल नंबर होता है और क्लास नंबर जो होता है उसके अंदर डिफरेंस होता है। देखिए, जो कॉल नंबर है उसका ही एक पार्ट होता है क्लास नंबर। तो कॉल नंबर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बुक का नंबर भी आता है और इसके अलावा क्लास नंबर तो आता ही है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो बुक नंबर और क्लास नंबर है ये कॉल नंबर का पार्ट है, पर यहाँ पर हम सीखने वाले हैं क्लास नंबर बनाना और इसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं DDC के 19th एडिशन का। और अगर आपके पास DDC 19th एडिशन नहीं है तो आप हमारा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको DDC 19th एडिशन फ्री में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ये जो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है वो वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक हमारी दो वीडियो आ चुकी हैं DDC से रिलेटेड, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वो दोनों वीडियो देख लिए हैं। इससे होगा ये कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा DDC किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया और ये जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। तो सेकंड वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए अंदर आप जो है DDC का सिस्टम को समझते हैं कि DDC का सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, किस सिस्टम पर DDC को बनाया गया है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आप दूसरी वीडियो को देखिए और इसका भी जो लिंक है वो ये ऊपर आ रहा है आई बटन पर, या फिर आप चैनल के अंदर प्लेलिस्ट पर जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। तो जी, आज का टॉपिक शुरू होता है DDC से, और DDC के अंदर जो मैं आपको दो पॉइंट बताऊंगा उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, दो पॉइंट जो है, सबसे पहला ये है कि ये जो DDC है वो एक इन्यूमरेटिव स्कीम है, क्लासिफिकेशन की इन्यूमरेटिव स्कीम। देखिए, इसका हिंदी शब्द तो मुझे नहीं मिला कि इन्यूमरेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अगर आपको हिंदी शब्द मिले या फिर आप पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम में और आपको पता हो हिंदी शब्द तो कमेंट करके बताइए, और जिनको नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, अगर किसी ने कमेंट किया होगा तो पता चल जाएगा इन्यूमरेटिव स्कीम का क्या मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं। खैर, अदरवाइज़ आप इसको इन्यूमरेटिव यूज़ कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले भी। तो DDC जो है वो एक इन्यूमरेटिव स्कीम है, इसका मतलब होता है कि DDC के अंदर जो है पहले से ही सभी सब्जेक्ट के नंबर्स को बना दिया गया है। इसका ये मतलब हुआ दूसरे शब्दों में कि DDC में हर एक बुक के क्लास नंबर को पहले से ही बना दिया गया है, पहले से ही वो रेडीमेड तैयार है नंबर। बस आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, आपको उन नंबर्स को सर्च करना है, ढूंढना है। ठीक है, नंबर जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है पर आपको उन नंबर्स को ढूंढना है। तो ये होता है DDC का स्कीम का एक पहलू, जो कि क्या है कि ये एक इन्यूमरेटिव स्कीम है। अच्छा, दूसरा पहलू जो है यहाँ पर वो ये है कि ये जो DDC को बनाया गया है, जिसके अंदर आप ये जो मेन क्लासेस देखते हैं 10 मेन क्लासेस, जिसके अंदर होता है कि 0 का मतलब है भाई जनरलिटीज़। ठीक है, इसके अलावा 100 यानी कि फिलोसफी एंड रिलेटेड साइंस, 200 रिलीजन, 300 सोशल साइंस। तो ये जो क्रम आप देख रहे हैं कि जनरलिटीज़ के बाद जो है फिलॉसफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन आ रहा है, फिर रिलीजन आ रहा है, फिर सोशल साइंस आ रहा है, तो ये आया है क्रोनोलॉजिकल लॉजिक से। देखिए, क्रोनोलॉजिकल लॉजिक जो है हम कह सकते हैं कि काल के क्रमानुसार, कि जो समय के अनुसार जो जो विषय हैं वो आए हैं तो उसी के आधार पर ये जो है बनाया गया है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट कुछ कुछ जो है वैसा ही है। देखिए, समझते हैं कि जब मानव इतिहास के अंदर अगर हम जाएं तो मानव जो है वो आदि मानव के रूप में था, फिर उससे थोड़ा सा विकसित हुआ। अब देखिए, जब वो विकसित हुआ तब उसने जो भी सब्जेक्ट बनाए, जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो क्या था, वो जर्नलिटीज़ था। कहने का मतलब है वो कोई विशेष नहीं था, उसको बांट नहीं रखा था। हिस्ट्री भी उस टाइम एक ही थी और ज्योग्राफी भी एक ही थी, इकोनॉमिक्स भी एक ही थी, इंग्लिश भी वही थी और हिंदी भी वही थी, पोल साइंस भी वही थी, मतलब कि एक ही सब्जेक्ट है और उसी के अंदर सारे सब्जेक्ट मर्ज हैं। तो वो एक तरीके से कहें तो जर्नल नॉलेज, तो वही है जर्नलिटीज़। जर्नलिटीज़ जो है वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट मिक्स हैं, तो वो होता है भाई जर्नल नॉलेज।
अब इसके बाद देखिए जो मानव सभ्यता है उसने थोड़ा सा विकास करा तो वो फिलॉसफी देने लगे, विचार देने लगे। तो ये जो विचार हैं फिलॉसफी साइकोलॉजी ये जो है उसके बाद आई। तो उस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि जो है जनरलिटीज़ के बाद रखा गया किसको, फिलॉसफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन, जिसके अंदर साइकोलॉजी भी आता है। तो इसी तरीके से रिलीजन विकसित हुआ, इसी तरीके से जब समाज बना तो सोशल साइंस आई। अब देखिए समाज बन गया तो एक लैंग्वेज की ज़रूरत थी, तो लैंग्वेज डेवलप हुई, और लैंग्वेज के बाद जो है हमने थोड़ा सा साइंस को समझा। तो इसी ऑर्डर में जो है आप देख सकते हैं ये काम करता है, DDC के जो मेन क्लासेज हैं उनको इस ऑर्डर के अंदर बनाया गया है। तो यहाँ पर हमने देखिए दो बातों को जाना कि जो DDC है वो एक तो इन्यूमरेटिव स्कीम है, जिसका मतलब कि यहाँ पर रेडीमेड नंबर तैयार हैं, बस आपको उनको ढूंढना है, आपको नंबर बनाना नहीं है, आपको नंबर ढूंढना है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है ये जो स्कीम है वो बेस है किस पर, क्रोनोलॉजिकल लॉजिक पर। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो एक सीक्वेंस से हैं कालक्रम अनुसार, जिस प्रकार वो दुनिया में आए हैं, जब जब दुनिया में आए तो उसी क्रम में उसको लगाया गया है। तो ये ऑलमोस्ट क्रोनोलॉजिकल लॉजिक पर आधारित है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट को, जो कि आज की प्रैक्टिस है हमारी, क्योंकि जी प्रैक्टिस से रिलेटेड वीडियो है। तो इसके अंदर हम DDC के क्लास नंबर को ढूंढना सीखेंगे, ठीक है, क्या करना सीखेंगे, ढूंढना सीखेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो 19th एडिशन है ये 3 वॉल्यूम के अंदर है। सबसे पहला जो है भाई कौन सा है, इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स, नंबर 2 शेड्यूल, और नंबर 3 रिलेटिव इंडेक्स। तो यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं केवल ऊपर वाले 2, यानी कि इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स और नंबर 2 शेड्यूल का। नंबर 3 जो है वो एक ऑप्शनल है, ठीक है, ये थोड़ा सा जो यूज़ करना है वो एडवांस लेवल पर है, आगे करेंगे हम, ठीक है। अगर एडवांस लेवल तक आप जाते हैं हमारे साथ साथ, ये सीरीज अगर चलती है लंबी, तो एडवांस लेवल पर रिलेटिव इंडेक्स का यूज़ करना भी बताएंगे। खैर अभी जो है वो हम देख रहे हैं एक बेसिक बेस जिसके आधार पर हम क्लास नंबर बना सकें। तो उसके लिए जो है आपको यूज़ करने की सलाह दी जाती है Volume 1 और Volume 2 को। तो चलिए उन्हीं का यूज़ करेंगे और उन्हीं का यूज़ करते हुए हम नंबर को बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला मैं नंबर यहाँ पर ले रहा हूँ बायोलॉजी का, ठीक है, बायोलॉजी का आपको क्लास नंबर बनाना है। एक बुक है बायोलॉजी पर आधारित, उसका आपको क्लास नंबर बनाना है। तो आप यहाँ पर देखिए बायोलॉजी के लिए आपको क्लास नंबर बनाने के लिए किन स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप नंबर बनाना चाहते हैं क्लास नंबर, तो कुछ स्टेप्स हैं DDC के, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा और आप नंबर बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो है आपको देखना है बायोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, ये किस सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो आपने सब्जेक्ट देखा कि बायोलॉजी जो है वो एक साइंस का सब्जेक्ट है, तो आपको सब्जेक्ट पता चल गया। अब साइंस का सब्जेक्ट होने के कारण जो है ये यहाँ पर आपको सर्च करना है मेन क्लासेज में। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेन क्लासेज हैं, 10 मेन क्लासेज, ठीक है। अब ये आपको कहाँ पर मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी समरी के अंदर जो है। अब ये समरी कहाँ पर मिलेगी, समरी आपको मिलती है 1st वॉल्यूम के लास्ट में, ठीक है। आप जब 1st वॉल्यूम ओपन करेंगे तो 1st वॉल्यूम के लास्ट में आपको मिलती हैं 3 समरी। तो 3 समरी आप ओपन करिए और वहाँ पर आपको ये मेन क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो 1st वॉल्यूम को ओपन कीजिए और उसके अंदर जो है लास्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ये 3 समरी मिल जाएंगी। वहाँ पर जो है 1st समरी पर आइए जिसके अंदर 10 मेन क्लासेस हैं, और वहाँ पर देखिए कि ये जो साइंस है वो कहाँ पर आएगा। तो वो आएगा प्योर साइंसेज के अंदर, कहाँ पर आएगा जी, प्योर साइंसेज के अंदर, जो कि आपको दिख रहा है 500। तो नंबर 1 स्टेप क्या था हमारा, हमको सबसे पहले सब्जेक्ट को पता करना है कौन सा सब्जेक्ट है, तो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है साइंस। उसके बाद हमको इसकी मेन क्लास पता करनी है जो कि 1st समरी में मिलती है, और वो क्या है, वो है प्योर साइंस 500। अब इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, इसी समरी को दूसरा पेज पलटिए और वहाँ पर आपको मिलेगी 2nd समरी। 2nd समरी के अंदर यही जो समरी है 1st समरी, इसको और आगे बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि 000 जो है उसको 000 से 090 तक बांटा गया है, ठीक इसी तरीके से आगे वाले जितने भी क्लासेज हैं उनको आगे 10 डिविजन्स के अंदर बांटा गया है।
तो इस तरीके जो से जो सेकंड समरी है उसके अंदर 100 डिविजन्स हैं। फर्स्ट के अंदर 10 मेन क्लासेस और दूसरी के अंदर 100 डिविजन्स बन जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, 500 आपको पता चल गया है, 500 देखिए, 500 आपको मिलता है यहाँ पर, ये रहा 500। तो 500 के अंदर आपको दिख जाएगा प्योर साइंसेज, और प्योर साइंसेज के अंदर आप देखिए, सर्च कीजिए भाई कहाँ पर आएगा, ठीक है, जो बायोलॉजी है वो कहाँ पर आएगी। अब अगर आपको पता है, ठीक है, कि बायोलॉजी जो है वो जीवन से संबंधित है, जीव विज्ञान से संबंधित है, तो यहाँ पर आप आसानी से ढूंढ सकते हैं लाइफ साइंसेज। क्या देख सकते हैं भाई, लाइफ साइंसेज, लाइफ साइंसेज के अंदर आता है। चलिए मान लीजिए आपको नहीं पता भाई लाइफ साइंसेज के अंदर आएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए हमने माना कि हमें नहीं पता भाई कहाँ पर आएगा, ये पता लग गया 500 के अंदर है, तो आपको कुछ नहीं करना, आगे जाना है तीसरी समरी में, और तीसरी समरी में 500 को ओपन करना है। 500 आपको कहाँ पर दिखता है, ये रहा 500। तो 500 पे आप आएंगे तो यहाँ से फिर आपको ये सारे सर्च करने पड़ेंगे भाई कहाँ पर है बायोलॉजी, यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि भाई हमें तो पता था लाइफ साइंसेज के अंदर आता है, तो इसलिए हम तो सीधा लाइफ साइंसेज पर आएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके अंदर सर्च कर सकते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ ही हैं उसके अंदर, आप आसानी से ढूंढ लेंगे। खैर, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा बायोलॉजी 574 पर, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी आपको मिल गया। तो ये हैगा बायोलॉजी का नंबर। देखिए हमने सबसे ज़ीरो से शुरू करा है, DDC प्रैक्टिस जो है वो ज़ीरो लेवल से शुरू करी है, तो इसीलिए ये थोड़े सिंपल सिंपल से आ रहे हैं, एक दो वीडियो तक सिंपल आएंगे, इसके बाद जो है लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो है बायोलॉजी को सर्च कर लिया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया ये स्टेप, और आपने बायोलॉजी का क्लास नंबर बना दिया जी 574। तो ये आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर फर्स्ट वॉल्यूम है उसके लास्ट में जो ये जो तीन समरी हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी के बेस पर जो है आप किसी भी बुक का क्लास नंबर बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और एक और एग्जांपल लेने के लिए आपको दोबारा आना होगा फिर से मेन क्लास पर। तो मेन क्लासेस पर आ गए हम, 10 मेन क्लासेस पर। अब की बार एग्जांपल लीजिए, बताइए क्या लें। चलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब देखिए पब्लिक आ रहा है, शब्द ही आ रहा है पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से समझ लीजिए आप, चाहे पब्लिक से समझ लीजिए, कंसेप्ट जो बनेगा वो समाज से बनेगा। समाज शासन कहाँ पर करेंगे, समाज पर ही तो करेंगे, पब्लिक कहाँ पर होगी, समाज में ही तो होगी। तो यानी कि जो मेन सब्जेक्ट यहाँ पर बना, सब्जेक्ट सर्च करना है ना हमको सबसे पहले स्टेप के अंदर, तो कौन सा सब्जेक्ट बना, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस आप यहाँ पर देखेंगे भाई कहाँ पर है सोशल साइंस, तो सोशल साइंस आपने कहाँ पर देखा, 300 पर, यानी कि आपको ये मिल गया सोशल साइंस। तो अब आप कहाँ पर जाएंगे, सेकेंड समरी पर जी। तो सेकेंड समरी के लिए पेज को पलटिए और सेकंड समरी पर आइए, और सेकंड समरी के अंदर देखिए सोशल साइंस के अंदर क्या आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सर्च कर सकते हैं। तो आप जाहिर सी बात है यहीं पर आपको दिख जाएगा भाई 350 जो कि हैगा किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिल गया सीधा 350 पर। तो 350 के बाद एक बार फिर भी आप जो है थर्ड समरी पर जाइए, ठीक है, उसको वहाँ पर भी जाकर चेक कीजिए। तो थर्ड समरी हम फिर भी ओपन करेंगे और देखेंगे भाई 300 वाला, और 300 के अंदर जाएंगे और देखेंगे 350। तो 350 के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हैगा भाई हैगा नंबर किसका, 350। तो 350 जो है वो हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर कोई बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो 350 हमने सर्च कर लिया। तो एक बार दोबारा से बता दूँ यहाँ पर आपको कि जो है हम बेसिक लेवल कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से शुरू, ठीक है। तो इसीलिए ये आप जो है बहुत ही आसानी से ढूंढ ले रहे हैं, और केवल तीन समरियों के प्रयोग से। आगे चलकर हम चलेंगे टेबल का भी यूज़ करना सीखेंगे और शेड्यूल का भी। अभी आपने शेड्यूल का यूज़ नहीं करा है, आप केवल वॉल्यूम 1 की तीन समरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक होता है, ज़ीरो लेवल जो है कहें तो वहाँ से शुरुआत है ये, तो इसीलिए जो है आपको बहुत ही आसानी से नंबर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं नंबर ढूंढने में आपको कोई दिक्कत होगी, नंबर तो आपको आसानी से मिल जाएगा, पर वहाँ पर थोड़े से रूल्स होंगे, उनको आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे समझते जाएंगे। खैर चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल,
जो कि हमने लिया साइकोलॉजी, ठीक है, माना एक एग्जांपल साइकोलॉजी। आप सोचिए साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, फिलॉसफी तो होती है, विचार ही तो होते हैं साइकोलॉजी के अंदर कि जो मनुष्य है वो कैसा होता है। तो इस तरीके की ये फिलॉसफी से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है जो कि है साइकोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए आप फिलॉसफी और साइकोलॉजी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने देखा साइकोलॉजी और इसका एक सब्जेक्ट सर्च करा कि ये जो सब्जेक्ट के अंदर आता है वो आता है फिलॉसफी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर। तो इसके बाद हम आए मेन समरी पर, ठीक है, या फिर मेन क्लासेस पर। उसके अंदर हमने देखा 100 जहाँ पर आपको मिलता है फिलॉसफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिनस। तो इसके अंदर आप जाएंगे तो 100 सेकेंड समरी पर आइए और यहाँ पर देखिए कि आपको साइकोलॉजी दिख रहा है। जी हाँ, साइकोलॉजी दिख जाएगा आपको 150 पर, ठीक है। तो 150 फिर भी जो है हम एक बार चेक कर लेंगे कहाँ पर, थर्ड समरी के अंदर। तो थर्ड समरी के अंदर हम देखेंगे क्या 150, तो 150 पर हैगी साइकोलॉजी। तो जी साइकोलॉजी का नंबर क्या बन गया, 150, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक और नंबर बना दिया, क्लास नंबर, जो कि किसका है, साइकोलॉजी का। चलिए अब वापस आते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। आप क्या लें लास्ट एग्जांपल, चलिए हिस्ट्री का कोई एग्जांपल लेते हैं। चलिए जर्नल वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, जर्नल वर्ल्ड हिस्ट्री एक नंबर लिया हमने। क्लास नंबर क्या बनेगा इसका कि जर्नल वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो हमारा एक सब्जेक्ट है, बुक है, जर्नल वर्ल्ड हिस्ट्री पर टॉपिक आया है और उसका आपको क्लास नंबर बनाना है। तो हिस्ट्री जो है ना, यहाँ पर आपको ये टॉपिक जो है आपको सौभाग्यवश बहुत बढ़िया मिल गया, एक और कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एक और कंसेप्ट ये है कि देखिए आपने अभी तक हो सकता है सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडीज़ 10th तक पढ़ी हो, ठीक है, 10th की क्लास तक मेरे ख्याल से सब सब्जेक्ट के अंदर होती है सोशल स्टडी या फिर सोशल साइंस जिसे बोलते हैं। तो वहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं, पोल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके के सब्जेक्ट जो हैं वो वहाँ पर होते हैं सोशल साइंस में। पर यहाँ पर जो है जो DDC है, DDC के अंदर ज्योग्राफी और हिस्ट्री को अलग से रखा गया है, सोशल साइंस के अंदर वो कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है। तो इसीलिए आपने देखा भाई टॉपिक क्या है, जर्नल वर्ल्ड हिस्ट्री, और इसका आप सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट बनेगा इसका क्या, हिस्ट्री। मेन सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री पर आप आएंगे और यहाँ पर देखेंगे भाई 900 जिसके अंदर है जर्नल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो जर्नल ज्योग्राफी और हिस्ट्री, आप जाएंगे आप दूसरी समरी पर, ठीक है, जिसके अंदर डिविजन्स हैं। डिविजन्स के अंदर जाएंगे 900 को देखेंगे ध्यान से और वहाँ पर आप देखेंगे क्या देखेंगे कि जर्नल वर्ल्ड हिस्ट्री हमको कहाँ पर मिल रही है। तो ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी जर्नल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में, जो कि 900 अपने आप में ही है, ठीक है, जर्नल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री इसके अंदर ये आपको मिल जाएगी। चलिए इसके लिए आप जाएं तीसरी समरी में जो कि 900 पर सबसे लास्ट वाला पेज होगा, ठीक है, सबसे लास्ट वाला पेज होगा 900 से। तो यहाँ पर आप देखें जर्नल वर्ल्ड हिस्ट्री, तो जर्नल ज्योग्राफिकल एंड हिस्ट्री जो है, जर्नल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आपको दिख रहा है 900 पर। इसी में नीचे आए, इसी के अंदर आपको मिल जाएगा कि देखिए 909 पर आपको मिल जाएगा, क्या मिला भाई, जर्नल वर्ल्ड हिस्ट्री मिल गया। तो यही हैगा नंबर किसका, जर्नल वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो कि बना 909। तो इस तरीके से हम DDC के अंदर क्लास नंबर बनाते हैं। तो आज की वीडियो आशा करता हूँ आपको समझ में आई है और इससे आपने थोड़ा सा हमारे साथ साथ नंबर बनाए हैं। तो इस तरीके के जो बेसिक जो नंबर हैं वो इस तरीके से बनता है, ये होता है बेसिक लेवल। और अगर ये आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर समझ में नहीं आया है, कोई कमी रह गई है वीडियो के अंदर, तो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन डिसलाइक करते समय हमें बताइए कि क्या कमी रह गई। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे ये होगा कि DDC या फिर इससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट की वीडियो अगर हमारे चैनल से अपलोड होती है तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उससे आप वीडियो जल्दी से जल्दी देख सकते हैं।